हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये लूसेंट जी के बुक की नई सीरीज है जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुल मिलाकर 3 चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च, हमारे अंतरिक्ष में यानी कि हमारे स्पेस में सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं वे कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इनको छोड़ा जाता है। आपने ASLV, PSLV, GSLV के बारे में सुना होगा, जो लॉन्च व्हीकल है जिसको प्रक्षेपण यान बोल दिया जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके अलावा इसरो के बारे में आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम भारतीय परमाणु अनुसंधान यानी इंडियन एटॉमिक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हमारे पास न्यूक्लियर पावर कैसी है, कितनी है, हमारे पास कौन कौन सी मिसाइल्स वगैरह है, ये सब हम परमाणु अनुसंधान यानी सेकेंड चैप्टर में कवर करेंगे। और थर्ड चैप्टर जो होगा हमारा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हम इस सीरीज को लूसेंट जी के बुक से कवर करेंगे, इसमें हर एक लाइन को कवर किया जाएगा, किसी का किसी भी प्रकार का डाउट है वो सबका क्लियर हो जाएगा और ईजी वे से आपको समझाया जाएगा, हर लाइन के बारे में बताया जाएगा ताकि किसी को किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च भी बोल दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनकोस्पार भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, इनकोस्पार, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका जो गठन है 1962 में किया गया था। यहीं से हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी, स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत का जो श्रेय है वो किसको जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, स्पेस साइंटिस्ट थे, और उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उसको इस समिति का, किस समिति का, इनकोस्पार का, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो पहले से ही हमारी गवर्नमेंट एजेंसी थी जो परमाणु शक्ति के लिए रिसर्च करती थी, उसके अंतर्गत ही स्पेस एजेंसी ने काम करना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को, जो समिति बनी थी इनकोस्पार, उसका कन्वर्जन कर दिया गया किसमें, इसरो में, यानी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो अब परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी, वो उसका अपना अलग ही ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के निगरानी में रखा गया। अंतरिक्ष आयोग यानी कि स्पेस कमीशन और अंतरिक्ष विभाग यानी कि स्पेस डिपार्टमेंट, यानी या बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करती है, जो स्पेस के लिए कार्य करती है, और इनके अंतर्गत ही इसरो को रखा गया, यानी इसरो जो है इनके अंतर्गत ही कार्य करती है, लेकिन इनकी स्थापना जो है 1972 में हुई, यानी कि इसरो की स्थापना के बाद ही अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। एक पिक्चर के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये सब एजेंसी समझ में आ जाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जिसमें दिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो है स्पेस कमीशन बनाया गया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। इन दोनों का गठन कब किया गया, 1972 ईस्वी में। इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग की निगरानी में कार्य करेगा, यानी इसरो का जो फुल एडमिनिस्ट्रेशन है, फुल प्रशासन की देखरेख कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग।
इनके अलावा ये बहुत सारी सेंट्रल एजेंसी है, जैसे कि अंतरिक्ष NSI, NSIL, इसरो काउंसिल, PRL, NARL, NESSC, SCL, IIST, VSSC, LPSC, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सब एजेंसी जो हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 को हुई थी, यानी कि अंतरिक्ष में जो हमारा रॉकेट जो भेजा गया था वो 1963 में भेजा गया था, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में हो चुकी थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तिरुवंतपुरम में। वहाँ पर एक चर्च था जिसका नाम था सेंट मैरी मैगडेलिन चर्च, उसका एक कमरा स्पेस रिसर्च के लिए यूज किया गया, मतलब उसकी एक कमरे को एक लैब बनाया गया जिसमें जो हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए। 21 नवंबर 1963 ईस्वी को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम था नाइक अपाची, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, उसको थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी कि TERLS, जिसकी फुल फॉर्म है थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इस जगह से इसको प्रक्षेपित किया गया। किसको? साउंडिंग रॉकेट को। कौन सा साउंडिंग रॉकेट? जिसका नाम था नाइक अपाची, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका के द्वारा। और ये किसके लिए बनाया गया था? भारत के लिए। और भारत ने इसको कब लॉन्च किया था? 21 नवंबर 1963 को, और किस जगह पर? थुम्बा नामक जगह पर। और थुम्बा नामक जगह कहाँ पर है? केरला में। अब हम यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। अमेरिका और रशिया ने समय समय पर अपने सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजे। आपको पता होगा कि अमेरिका और रशिया के बीच हमेशा से ही कोल्ड वार चलता हुआ आया है, यानी कोल्ड वार का मतलब है कि इन दोनों ने एक दूसरे को कंपटीशन दिया, यानी कि जो अमेरिका करता था वही रशिया करता था, और जो रशिया करता था वही अमेरिका करता था, और एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में थे। लेकिन रशिया जो है 1991 से पहले जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर थी, पावरफुल कंट्री था। 1991 में जो है रशिया, 1991 से पहले रशिया को USSR बोला जाता था, यानी सोवियत संघ बोला जाता था। 1991 ईस्वी में USSR जो है 15 देशों में विघटन हो गया, 15 देशों में टूट गया, जिससे रशिया का भी जन्म हुआ, यानी कि रशिया जो है बाकी कंट्री से 1991 में अलग हुआ। उसके बाद जो है यह कमजोर पड़ता हुआ आ गया, लेकिन यह इतना भी कमजोर नहीं है कि अभी भी यह अमेरिका और वर्ल्ड लेवल पर अच्छी अच्छी कंट्री को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर कुछ हम अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रम देख लेते हैं जो रशिया और अमेरिका ने मेनली छोड़े गए। यहाँ पे हम डेट वाइज पढ़ेंगे किस अंतरिक्षयान को स्पेस में छोड़ा गया और उस घटना के पीछे क्या उपलब्धि हासिल की। यानी तो सबसे पहले 1957 ईस्वी को Sputnik 1 अंतरिक्षयान को स्पेस में छोड़ा गया। ये पूर्व सोवियत संघ यानी USSR के द्वारा छोड़ा गया, और ये किस लिए फेमस है? ये क्योंकि इसमें सबसे पहला उपग्रह सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट जो है स्पेस में छोड़ा गया था। यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की शुरुआत हुई थी। अब आ जाता Sputnik 2, जो कि 1957 में, ये अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था, ये नवंबर 1957 में यानी एक लगभग एक महीने के बाद छोड़ा गया। इसमें क्या उपलब्धि हासिल की? इसमें सोवियत संघ ने एक कुत्ते को जिसका नाम था लाइका को अंतरिक्ष में भेजा। उसके बाद आ जाता है स्कोर, जो कि 1958 में लॉन्च किया गया। स्कोर क्या है? ये अंतरिक्ष यान का नाम है, और इसमें सबसे पहला संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह बोला जाता है। और आज के टाइम पे बहुत सारे हर देश ने संचार उपग्रह अपने स्पेस में लॉन्च किए हुए हैं, और पहला जो संचार उपग्रह था वो किसने भेजा था? अमेरिका ने। उसके बाद आ जाता है Luna 3, जो कि 1959 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या उपलब्धि थी? यह पहला अंतरिक्षयान था जिसको चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं, मतलब ये अंतरिक्षयान चंद्रमा पर गया। चंद्रमा पर जाकर इसने चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमण किया, उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, और हमें पता है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ आधा भाग ही दिखाई देता है, एक साइड का हिस्सा हमें बिल्कुल कभी भी पृथ्वी से नहीं दिखाई देता। उस साइड के जो फोटो है सबसे पहले Luna 3 सैटेलाइट ने भेजे थे, और ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? ये रशिया के द्वारा छोड़ा गया था। उसके बाद आ जाता है Vostok 1, जो कि 1961 में लॉन्च किया गया था। इसकी उपलब्धि क्या थी? इसमें जो है मानव ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की, और उस यात्री का क्या नाम था? यूरी गागरिन।
जो कि सोवियत संघ से थे, रशिया से थे, इसने पूरी पृथ्वी के चारों तरफ उस स्पेसक्राफ्ट में बैठ के चार पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए, और इसका एक परिक्रमण कब पूरा हुआ, 12 अप्रैल 1961 को। अब आ जाता है वोस्टोक 6, जो कि 1963 में लॉन्च किया। अब इसमें देख लेते क्या खास बात थी, इसमें फिर से सोवियत संघ ने अब की बार जो है महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा, और उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था, वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। उसके बाद आ जाता है इंटेल सेट, जो कि 1965 में लॉन्च किया गया और व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह था, और यह किसने भेजा, नासा ने। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, अमरीका की। अमरीका की जो नासा स्पेस एजेंसी है वो सबसे अव्वल दर्जे की मानी जाती है, और रोसकोसमोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है वो नासा को पूरी तरह से टक्कर देती है, और ये दो अव्वल दर्जे की स्पेस एजेंसी है। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जो लगभग इनके मुकाबले की है। एक समय पर हमारे देश में स्पेस एजेंसी के लिए जगह तक नहीं थी, हमारे देश के जो साइंटिस्ट थे एक चर्च के कमरे में कार्य करते थे, और आज हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो ने 2017 में 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक ही व्हीकल से, एक ही प्रक्षेपण यान से, एक ही लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजकर एक सुपर रिकॉर्ड बनाया, और उस 104 में से 80 से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स थे वो यूएसए के थे, अमेरिका के थे। और उसी प्रकार से यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, जिसका नाम है ईएसए, जो कि यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन संघ जो है, उनके उसमें जितने भी कंट्री है, उसमें जितने भी देश हैं, उन सबके लिए कार्य करती है। सीएनएसए जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, और जीएएक्सए जापान की स्पेस एजेंसी है, ये मेन स्पेस एजेंसी है। तो इस प्रकार से लगभग हर कंट्री के पास अब स्पेस एजेंसी है। उसके बाद आ जाता है वेनरा 3, जो कि 1965 में लॉन्च किया गया। यह पहला अंतरिक्ष यान था जो किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया, अन्य ग्रह मतलब पृथ्वी को छोड़ के किसी और ग्रह पर भेजा गया, और वो ग्रह कौन सा था, शुक्र ग्रह। और वेनरा 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा। उसके बाद आ जाता है लूना 9, जो कि 1968 में लॉन्च किया गया था, और यह चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, यानी चंद्रमा पर इस अंतरिक्ष यान ने लैंड किया था। और लूना 9 ये किसका था, यूएसएसआर का। उसके बाद आ जाता है सोयुज 4, जो कि 1969 में ही लॉन्च किया गया था, और यह सबसे पहले प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। कहने का मतलब है कि स्पेस में एक ऐसी लैब स्थापित की गई जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहेगी, और उसमें जाके साइंटिस्ट जो है काम कर सकते हैं। इसको एक प्रकार से स्पेस में लटकी हुई एक साइंस लैब बोल सकते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसके बाद आ जाता है अपोलो 11, यानी कि 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, जो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति था। इस अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री एक साथ गए थे, उनमें से 2 ने जो है चंद्रमा पर कदम रखे थे, 2 जो है चंद्रमा पर उतरे थे। पहले का नाम था नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे का नाम था एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा अंतरिक्ष यात्री था वो स्पेस क्राफ्ट में ही था। ये आप देख सकते हैं कि अमेरिका और रशिया ने मिलकर कितनी सारी उपलब्धि हासिल, 1969 तक कितनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है, जबकि हमारे देश की पहली स्पेस एजेंसी का गठन कब हुआ था, 1969 में। उसके बाद आता मार्स 2, जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था, और यह मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो ये हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा फर्स्ट वीडियो है, जो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपको किसी भी तरह का डाउट है, या फिर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, या फिर आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को जीके एजुकार्ड को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की जो वीडियो जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगातार पढ़ाई करते रहिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसकी अच्छी तैयारी करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।